सब्सक्राइब कीजिए V4 वीडियोस को और बगल में बने इस बेल आइकन को दबाइए ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेराबाइट के साटा कनेक्टर की और करेंगे इसका डिटेल रिव्यू। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, और उससे पहले हम लोग इसे पैकेजिंग को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 480 Mbps की ट्रांसफर स्पीड, जो कि काफ़ी हाई स्पीड जो लिखा हुआ है जो बता रहा है, और यहाँ पे लिखा है 2.5 USB 2.0 HDD इंक्लोजर, और जिसकी सपोर्टिंग है 3TB, मतलब ये 3TB तक का सपोर्ट कर सकता है, और ये प्लग एंड प्ले हॉट स्वैपिंग विदाउट रिबूटिंग, मतलब ये बिना रिबूटिंग के ये आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज सिस्टम सिलेक्शन प्लग एंड प्ले स्टेबल एंड क्विक लार्ज एंड सपोर्ट नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, मतलब इसको कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए। तो अभी आप लोगों ने देख लिया इसका बॉक्स, अब हम इसे ओपन करने वाले हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे लगी हुई सील इसे हम निकाल लेते हैं, और इसे हम निकाल लेते हैं। कर लिया हमने बॉक्स को ओपन और इसे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे डिब्बे को अलग रखते हैं, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखा है कवर, क्योंकि काफ़ी अच्छा कवर लग रहा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये एक स्पंज टाइप का कुछ रखा हुआ है, पता नहीं इसका क्या यूज है, इसे कर लेते हैं हम अलग। और यहाँ पे मिलता है केबल, इसको लगा कर हम कंप्यूटर और इसको आपस में जोड़ेंगे। तो ये मुझे मिला है केबल, और ये मुझे दिखता है एक साटा कनेक्टर, और फाइनली हम मुझे मिलता है एक साटा कनेक्टर जिसका लुक काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं सिल्वर कलर का है, काफ़ी अच्छी फिनिश है, और इसके भीतर है इसका पोर्ट जिसमें हम लोग अपनी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। और इसके साथ ही हमें मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर छोटा सा, इसका यूज़ शायद इसको टाइट करने के लिए होगा। हाँ, इसके साथ हमें मिलता है 2 स्क्रू जो हम लोग इसको यहाँ पे लगा के इसे टाइट करेंगे। तो इस साटा कनेक्टर का यूज़ क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास लैपटॉप की हार्ड ड्राइव होती है तो आप लोग उसे इसमें लगा के अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक पीसी में जोड़ सकते हैं, मतलब जो लैपटॉप की और उसे एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई एक लैपटॉप की हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है जो कि बाहर निकली अलग पड़ी हुई है, तो आप इसमें इसे लगा के एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, अगर आपकी मान लीजिए कभी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है, क्रैश हो जाती है, और जिसकी वजह से वो लैपटॉप में नहीं सपोर्ट कर रही है और लैपटॉप में वो नहीं चल रही है, जो मैं आपको ऊपर ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, अगर ये स्क्रीन में आया होगा, मतलब अगर कभी ऐसी नोटिफिकेशन आई होगी कि आपकी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव लैपटॉप में नहीं चल रही है, तो आप इसका यूज़ करके, मतलब एक बार इसका यूज़ करके आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका डाटा वापस आ जाए कभी अगर आपका डाटा रिकवर करना हो। तो इसका यूज़ डाटा रिकवर करने में भी होता है। तो मैंने इससे ही अपने कंप्यूटर का डाटा रिकवर किया है। इसका वीडियो मैंने आई बटन लिंक में दे दिया है, अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे दी है। तो इससे आप डाटा को रिकवर भी कर सकते हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं इसे कैसे यूज़ करना है, इसमें कैसे हार्ड ड्राइव लगाना है, और इसे कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम लोग अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, या फिर इसको अपना फाइल जो हमारे ड्राइव में पड़ी हुई है उसे कैसे इसमें लगा के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये रही मेरी हार्ड ड्राइव जो कि मेरे लैपटॉप की है, और हम लोग इसे इसमें फिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पेंच निकाल लेते हैं, तो पेंच लगे हुए हैं इसमें, इसके पेंच हमने निकाल लेते हैं और फटाक से इसमें फिट कर देते हैं इसे। तो इसे कैसे फिट करना है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये हार्ड ड्राइव आपको लेनी है, इसे उल्टा कर पकड़ना है और इसे यहाँ पे इससे जो सांचा बना हुआ है इसमें अंदर फिट करके दबा देना है। ये देखिए मेरी हार्ड ड्राइव इसमें कितनी आसानी से कितनी अच्छी तरीके से फिट हो गई है। अब मैं इसे इसमें वापस रख के इसमें अलाइन कर देता हूँ। आपको ये होल मैच करने हैं, होल मैच करके
इसको इसमें डाल देना है। ये मैंने कर लिया इसे टाइट, अब ये यूज करने के लिए तैयार है। तो अब हम लोग जाते हैं लैपटॉप की ओर। तो हमने ओपन कर लिया लैपटॉप, अब हम लोग इसे कनेक्ट करके देखते हैं। इसका एक प्लग लेते हैं, इसमें लगा देते हैं और दूसरे पोर्ट को इस लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं। लगा दिया, अब हम लोग चेक करते हैं कि हार्ड ड्राइव लैपटॉप में शो हो रही है। माई कंप्यूटर, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारे लैपटॉप में चार लाइनें बन के आ चुकी हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा पास से, ये देखिए मेरी हार्ड ड्राइव को इस तरीके से शो हो रही है, जो कि पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि मैंने इसे जितना भी डाटा मैंने इसमें था वो पहले ही से मैंने इसे इसमें से निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से यूज़ किया जा सकता है। अभी हम लोग इसे हटा के देखने वाले हैं, इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए चारों हार्ड ड्राइव के जो ऑप्शन थे वो चले जा चुके हैं। तो आप इस तरीके से इस साटा कनेक्टर का बड़े ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका यूज हो जाने पर आप इसे इस बैग में वापस रख सकते हैं, जिससे आपका सेफ रहेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जिसको मैंने अमेजोन से ख़रीदा था 300 रुपये का। 300 रुपये इसकी कीमत थी और आपके बड़े काम आ सकता है डाटा रिकवरी में भी और एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के रूप में भी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है, तो आप कोशिश करें इसी लिंक से ही खरीदें। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।